वेलकम टू द बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस इन क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड आवर टॉपिक इज ग्राफिकल ऑफ ए लीनियर इनइक्वेशन। पिछले वीडियो में भी आपको समझाया गया है, कुछ एग्जांपल्स देखें। सॉल्व 3x 3y माइनस 5x इज लेस देन 30 ग्राफिकली। पहले आपको बताया गया था कि इस इन इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करते हैं, इक्वेशन में। कंसीडर द इक्वेशन -5x + 3y = 30। पहला काम किया गया कि इन इक्वेशन को किस में कन्वर्ट किया गया, इक्वेशन में। द वैल्यू ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई द इन इक्वेशन, इक्वेशन। अब इसको दो पॉइंट इसका निकालते हैं, अगर एक्स की वैल्यू जीरो रख लें, इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जीरो रखते हैं तो वाई की वैल्यू क्या देगा, 10। पॉइंट ए हो गया 0, 10। वाई की वैल्यू जीरो रखें, वाई की वैल्यू जीरो रखा जाए तो एक्स की वैल्यू देगा -6। पॉइंट बी हो जाएगा -6, 0। अब देखें, इसको चेक करते हैं कि क्या यह ओरिजिन की तरफ लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, इस इन इक्वेशन में, इन इक्वेशन क्या हमारे पास है, 3y - 5x < 30 में क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हो जाएगा 3 × 0 - 5 × 0 < 30। ये 0 < 30, इसका मतलब क्या हुआ, क्लियरली द पॉइंट 0, 0 सेटिस्फाई। इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा ओरिजिन की तरफ क्या करेगा, लाई करेगा। ग्राफ पेपर पे इसको बनाएंगे, जीरो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पहला पॉइंट है 0, 10। पहला पॉइंट ए आएगा यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट है -6, 0। -1, -2, -3, -4, -5, -6। पॉइंट बी हो जाएगा, यहाँ लिख दें 1, 2, 3। -1, -2, -3, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी। ए से बी को मिला लें, अब देखें यह ओरिजिन की तरह सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यह किधर होगा, इधर सेटेड होगा। हैंस द सेडेड पार्ट ऑफ द प्लेन इज द सोल्यूशन सेट ऑफ 3y - 5x < 30। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देखें यहां, सॉल्व द इन इक्वेशन x < -3 ग्राफिकली। या देखिए कंडीशन लिखा है, कंसीडर द इक्वेशन, इस इन इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में, और इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = -3 इज ए स्ट्रेट लाइन ए बी ड्रॉन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। यह वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, पैरेलल ऑन वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू बी लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के 3 यूनिट होगा ये डिस्टेंस, सपोज कर लें यहाँ 0, 1, 2 एंड 3। ये हो जाएगा -1, -2, -3। यहाँ लिख लें 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3।
-1, -2, -3, बट x इक्वल टू -3 जो होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा और कितना डिस्टेंस है 3 यूनिट किधर होगा लेफ्ट ऑफ y एक्सिस, इसको लिख देंगे x इक्वल टू -3। अब देखें, अब चेक करेंगे कि यह ओरिजिन की तरफ लाई कर रहा है या नहीं। अब चेक करने का तरीका क्या है, लेट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, किसमें इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो सपोज करिए इन इक्वेशन को मैं चेंज कर रहा हूँ, ये लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई लेस देन -3। यहाँ पुट कर सकते हैं x की वैल्यू 0 पुट करें और y की वैल्यू 0 पुट करें तो हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन -3, 0 इज लेस देन -3। अब देखें यहाँ पे जो वैल्यू आया वह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लिखेंगे क्लियरली द पॉइंट 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई। यह इस पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह जो वैल्यू होगा वह ओरिजिन की तरफ लाई नहीं करेगा। अगर यह कंडीशन आ जाता है तो यह जो लाइन हम बनाते हैं वह डॉटेड लाइन बनाते हैं। अब देखें ओरिजिन की तरफ ये सेटिस्फाई नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, यह शेडेड रीजन इसका ए होगा, ये जो पोर्शन होगा वह क्या हो जाएगा शेडेड रीजन, और लिख लेंगे हेंस द शेडेड रीजन ऑफ द प्लेन इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ आप x लेस देन -3। ये आपको याद रखना है कि यह अगर ओरिजिन की तरफ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो यह क्या होगा, इसका जो शेडेड रीजन होगा ये पोर्शन होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट कि अगर ओरिजिन की तरफ ए लाई नहीं कर रहा है तो इस लाइन को भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन इसके बाद जितने पॉइंट्स मिलेंगे ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। थैंक यू स्टूडेंट।